हॉलीवुड मूवीज में दिखाए जाने वाले कई सुपर हीरोज उड़ सकते हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है सुपरमैन। लेकिन ये सभी सुपर हीरोज काल्पनिक चरित्र है, पर भारत में एक सुपर हीरो अभी भी है जो कोई काल्पनिक नहीं है, और वो है हनुमान जी। रामायण के अनुसार हनुमान जी को उड़ने की क्षमता हासिल थी, मतलब बिना किसी पंख के वो उड़ पाते थे। क्या कभी आपने ये सोचा है कि उनके उड़ने की रफ्तार क्या होगी? हनुमान जी की स्पीड का पता लगाना असंभव है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। आज हम गणित और गूगल मैप के सहारे से ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए बजरंग बली को एक ही रात में रावण की नगरी लंका से संजीवनी पर्वत तक का सफर तय करना था। एक ही रात में इतना लंबा सफर तय करने के लिए हनुमान जी की रफ्तार कितनी तेज होनी चाहिए? जिस तरह से हनुमान जी एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय के पर्वतों पर पहुंचे और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए, तो निश्चित ही उनके उड़ने की क्षमता बेहद तेज रही होगी। लेकिन कितनी तेज? फाइटर जेट जितना या उससे भी बहुत ज्यादा? दोस्तों, उस समय आधुनिक घड़ी तो नहीं था, लेकिन हमें आज रफ्तार को मापने के लिए उस जमाने के समय का अनुमान लगाना होगा। उस समय एक रात को 4 पहर कहते थे, मतलब एक पहर यानी 3 घंटे का। रामायण के अनुसार जिस वक्त लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उस समय रात्रि का 3रा पहर शुरू हो चुका था, यानी कि रात के 12:30 बजे। इसके बाद हनुमान जी के द्वारा वैद्य को लाना और वैद्य द्वारा लक्ष्मण की जांच करने और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने में कम से कम 1 घंटा जरूर लगा होगा। तो दोस्तों, हम ये मान सकते हैं कि बजरंग बली हनुमान आज के समय के अनुसार करीब रात के 1:30 बजे संजीवनी बूटी लाने के लिए रावण की नगरी से उड़े होंगे, और सूर्य उदय होने से पहले यानी 5 बजे वापस आ गए थे। मतलब हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस आ गए थे। लेकिन दोस्तों, इन 3.5 घंटों में से हमें कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि रास्ते में हनुमान जी को कई बाधाएं मिली थी। पहला बाधा कालेनमी राक्षस के झांसे में आना, और उसे मारने में हनुमान जी का कम से कम 1/2 घंटा जरूर खराब हुआ होगा। उसके बाद बजरंगबली ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वत जा पहुंचे, लेकिन हनुमान जी कोई वैद्य नहीं थे, इसलिए संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके, और संजीवनी बूटी को खोजने के लिए वो काफ़ी देर तक भटकते रहे। इसमें उनका कम से कम 1/2 घंटा खराब हुआ होगा। बूटी को ना पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लंका की ओर आने लगे। इन दोनों कामों में उनका 1 घंटा खराब हुआ। इसके बाद श्रीराम के भाई भरत के द्वारा उन्हें राक्षस समझकर आक्रमण करना, और बाद में हनुमान जी के सब समझाने और हनुमान जी की उपचार में 1/2 घंटा फिर से खराब हो गया। अब हनुमान जी के सिर्फ उड़ने के समय की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे थे, और इन्हीं 2 घंटे में वो लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए और वापस गए। अब अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी को देखें, तो गूगल मैप के अनुसार श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत तक की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर की है, यानी कि ये दूरी आने जाने दोनों तरफ की मिलाकर 5000 किलोमीटर बैठती है, और बजरंगबली ने यही 5000 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की थी। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा निकलती है। तो दोस्तों, इसकी तुलना अगर ध्वनि की रफ्तार से करें, तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना ज़्यादा बेहतरी है। आधुनिक भारत के पास मौजूद लड़ाकू विमान MiG-29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी तुलना हनुमान जी की रफ्तार से करें, तो यहाँ पर हनुमान जी की रफ्तार ज़्यादा निकलती है, यानी हनुमान जी आधुनिक भारत के पास मौजूद सबसे तेज लड़ाकू विमान से भी तेज उड़ते थे। लेकिन हम भगवान की ताकत का अंदाज़ा आज के आधुनिक उपकरणों से नहीं लगा सकते हैं। हनुमान जी भी ईश्वर है, इसलिए उनकी क्षमता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हनुमान जी की स्पीड लाइट की स्पीड या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, या कह सकते हैं अनंत थी। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, उनमें से एक है लघिमा सिद्धि, जिसका उपयोग कर वो अपने वजन को ना के बराबर कर सकते थे। इससे उन पर ना तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता था, ना कोई केंद्रीय ऊर्जा उन्हें अपनी ओर खींच सकती थी, जिस कारण से वे प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज उड़ सकते थे।
यदि हम विज्ञान की बात करें तो किसी भी चीज के प्रकाश की गति से उड़ने के लिए उसका वजन ना के बराबर होना चाहिए, जैसे कि आपने क्वांटम फिजिक्स में टाकियन पार्टिकल के बारे में सुना होगा। हनुमान जी सर्वशक्तिमान है, शायद वो इच्छा अनुसार कितनी भी रफ्तार ले सकते हैं। आपका क्या कहना है कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहां पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। धन्यवाद।